हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन और कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइफाइड फीवर के बारे में कि इसका काज क्या होता है, दोस्तों ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डिजीज़ होता है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड फीवर रेयरली जो कंट्रीज़ होती हैं, डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, उसमें बहुत रेयर होता है। यानी जो अभी जैसे भारत जो कंट्री है, यहाँ पर टाइफाइड फीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी जहाँ पे लोग ज़्यादा विकसित नहीं हैं, जहाँ पे स्वच्छता बहुत ज़्यादा नहीं बरती जाती है, ऐसी जगहों पे टाइफाइड फीवर का होना आम सी बात होती है। जैसे अफ्रीका इत्यादि देशों में ये बहुत ज़्यादा फैलता है, भारत में भी होता है, लेकिन सफाई अगर की जाए, सही से स्वच्छता बरती जाए, तो टाइफाइड फीवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है, बड़ों में भी होता है, होता सब में है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा खतरनाक होता है टाइफाइड फीवर। अगर हाल के ही दिनों में देखा जाए तो टाइफाइड फीवर के केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं और जिससे डेथ भी हुई है बच्चों की। दोस्तों, मेनली अगर मैं काज की बात करूं कि क्या काज होता है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, लेकिन बैक्टीरिया तो एकमात्र रीज़न है, लेकिन जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है वो मेनली इसको स्प्रेड करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे या फिर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आता है, तभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टाइफाइड फीवर फैल जाता है। दोस्तों, टाइफाइड फीवर मेनली आपके आंतों को निशाना बनाता है और टाइफाइड फीवर के लास्ट स्टेज में देखा जाए तो शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते या छोटे छोटे दाने पड़ते हैं लाल रंग के, जिसकी वजह से इसे मोतीझरा रोग भी कहा जाता है। अब अगर इसके काजेस के बारे में मैं बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, यानी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और फैलने का जो मात्र रीजन होता है वो होता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर मतलब संक्रमित भोजन और पानी से फैलता है, जो इसका मेन रीज़न होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर में बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। मेनली जो सिम्टम होता है फीवर, जो कि छोटे से स्टार्ट होता है, नहीं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है और फिर बढ़ते 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 104 या 105 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये फीवर रुक रुक के आता है, ऐसा नहीं है कि लगातार रहता है, ये फीवर एक इंटरवल के बाद आता है। इसके अलावा दोस्तों, हेडेक की समस्या देखी जाती है इस फीवर में, वीकनेस और फटीग का अनुभव होता है। इसके अलावा मसल्स में पेन होता है, मसल्स में दर्द होता है, स्वेटिंग हो सकती है, सूखी खांसी आ सकती है और भूख कम लगना, वेट लॉस होना, ये भी समस्या होती है। स्टमक में पेन यानी पेट में दर्द होता है क्योंकि आंतों को ये निशाना बनाता है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है। स्किन पर रेसेस दिखाई पड़ते हैं और ये रेसेस लास्ट स्टेज में दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेशेंट को फोटोफोबिया की भी समस्या आती है, यानी कि प्रकाश से भी डर लगता है, अंधेरे में रहने का मन करता है। ये सब तो सिम्टम्स हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के से पहले इंस्ट्रक्शन के बारे में कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पेशेंट को, तो सबसे पहली बात, उसे बेड रेस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा जो भोजन है उसे बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए और फ्रिक्वेंटली लेना चाहिए, और सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, पतला खाना लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो यहाँ पे जो मैं टैबलेट्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे यूज़ होती है बुखार के लिए पैरासीटामॉल टैबलेट, जो 6 घंटे के अंतराल पे लगातार दी जाती है, या फिर SOS भी दी जा सकती है जब आवश्यकता हो। इसके अलावा रैंटेक टैबलेट दी जाती है 150 mg, ताकि गैस की जो समस्या हो रही है वो ना हो किसी भी मेडिसिन की वजह से। इसके अलावा दोस्तों, एक टैबलेट दी जाती है प्रेडनिसोलॉन, जिसको मार्केट में आती है वाइसोलॉन के नाम से। तो प्रेडनिसोलॉन दिया जाता है 5 mg या फिर 10 mg आवश्यकता के अनुसार TDS 5 दिन के लिए, यानी दिन में 3 बार इसे 5 दिन के लिए लिया जाता है। ये एक स्टेरॉइड होती है। इसके अलावा दोस्तों, पेरिनॉर्म टैबलेट दी जाती है, ये भी TDS या SOS दी जाती है, यानी दिन में 3 बार एक टैबलेट, या फिर SOS भी दी जा सकती है। ये तब दी जाती है जब आपको दर्द के साथ में, बुखार के साथ में उल्टी की समस्या आ रही हो। इसके अलावा दोस्तों, IV फ्लूड भी दिया जाता है अगर पेशेंट को ज़रूरी होता है, एक्यूट फेज में अगर ज़रूरी होता है तो IV फ्लूड दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एंटीबायोटिक दिया जाता है IV फ्लूड के रूप में, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 200 mg 2 बार दिया जाता है 2 से 4 दिन के लिए, और इसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बाद फिर आपको, जैसे IV फ्लूड दे दिया गया 2 से 4 दिन, इसके बाद आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा दूसरे भी IV फ्लूड, IV
आईवी फ्लूड्स में आपको एंटीबायोटिक दी जाती हैं, उसके कंपेरेटिव भी आपको टैबलेट भी दी जाती है, लेकिन सबसे आसान सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, आप आसानी से इसे दे सकते हैं, कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं होता। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 200 mg VD 2 से 4 दिन देते हैं, और फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की टैबलेट 10 से 15 दिन तक लेने की सलाह देते हैं सुबह शाम। इसके अलावा अगर इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर यूज़ होता है इंजेक्शन, जिसमें सेप्ट्रेक्जोन इंजेक्शन 75 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम IV BD दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार या फिर 6-6 घंटे के अंतराल पर आप 2 बार दे सकते हैं, और इसे जब तक फीवर ना कंट्रोल हो या फिर 6 दिन तक आप इसे दे सकते हैं, यानी कि 12 ग्राम टोटल। कहने का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं, सेप्ट्रेक्जोन यानी मोनोसिफ इंजेक्शन दिया जाता है, अगर किसी से आराम ना हो तो ये एंटीबायोटिक होता है, और ये दिन भर में 1 ग्राम आपको दिया जाता है। कैसे देंगे? 75 mg पर kg बॉडी वेट पर डे के हिसाब से आपको ये डोज बना करके दी जाती है, 6 दिन तक दी जाती है। इसके अलावा ओरली टैबलेट सेफिक्सिम दिया जाता है, 400 mg BD दिया जाता है 14 दिन के लिए। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों डेकाड्रॉन इंजेक्शन भी दिया जाता है, लेकिन जब नीड होता है, जब बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है डेकाड्रॉन, तो अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ तभी ये आपको दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, टाइफाइड में इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, वीडियो आपसे आपको सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप हमारा हेल्थ के चैनल अगर अभी तक नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा पूरे वीडियो में, अगर आप लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।